बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शब मेराज वाक़ मेराज का ज़िक्र पार्ट वन में हुआ। पार्ट वन में तवालत से बचने के लिए सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र मेराज या सैर मेराज के जो वाक़ियात हैं वो काबतुल्ला से बैतुल अक़दस तक, फिर बैतुल अक़दस से सातवें आसमान तक, फिर सातवें आसमान से सिदरतुल मुंतहा तक, और सिदरतुल मुंतहा से फिर ला मकान तक अल्लाह ताला की मुलाकात, कुर्ब, इनामात, नवाजशात और फिर वापसी, ये तफसील बयान की गई थी। इसमें तवालत से बचने के लिए जो चीज़ छोड़ी गई थी वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मुशाहदात कराए गए थे, जो बतौर मुसलमान, जो बतौर तालिब इल्म, बतौर उस्ताद, बतौर इंसान हमारा सुनना और उन पर अमल करना लाजमी है। तो पार्ट टू में उन वाक़ियात की कुछ अहाता करते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मुशाहदात कराए गए इस सफ़र के दौरान, उसमें चंद एक का हम अहाता कर रहे हैं। पहले नंबर पर आपने देखा कि एक फरिश्ता एक शख्स को पत्थर मारकर उसका सर फोड़ देता है। इसी असना में उसका सर फिर बन जाता है और फरिश्ता वो पत्थर उठा के फिर मारता है। यूँ वो शख्स इस दर्द और अजियत की कैफियत से मुसलसल दो चार रहता है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व असहाबिहि वसल्लम ने जिब्रील अमीन से इस्तफसार किया कि ये कौन शख्स है। तो जिब्रील अमीन ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, ये वो शख्स है जो इशा की नमाज पढ़े बग़ैर सो जाता था। अल्लाह हम आपको नमाजों को और इशा की नमाज पढ़कर सोने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आपने मुशाहदा फरमाया कि कुछ लोग उल्टे लटके हुए हैं, मर्द और औरतें, और नीचे से आग उनको जला रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम ने जिब्रील अमीन से इस्तफसार फरमाया कि ये कौन शख्स हैं। जिब्रील अमीन ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, ये वो शख्स हैं जो रोज़ा छोड़ देते थे। अल्लाह तबारक ताला हम व आपको रोज़े रखने की जिन पर फ़र्ज़ हैं तौफीक अता फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को मुशाहदा कराया गया कि एक तंदूर है दहकता हुआ, उसमें कुछ नंगी औरतें और नंगे मर्द उल्टे लटके हुए हैं, और आग है कि उनको जला रही है, और शोले उनको ऊपर ऊंचाई तक उठाते हैं और फिर गहराई तक ले जाते हैं। इस दर्दनाक अजाब पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि जिब्रील, ये कौन लोग हैं, ये कौन अशख़ास हैं। जिब्रील अमीन ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, ये जानी मर्द और जानी औरतें हैं। ऐ अल्लाह, हम सब मुसलमानों को इस गुनाह कबीरा से महफूज रखने की तौफीक अता फरमा, आमीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसहाबी वसल्लम ने मुशाहदा फरमाया कि फरिश्ते हैं जो कैंचियों से अशख़ास के मुंह को चीर कर कानों तक ले जाते हैं, और यही अमल बार बार दोहरा रहे हैं। हजूर ने इस्तफसार फरमाया कि जिब्रील, ये कौन शख्स हैं। तो जिब्रील ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, ये वो खतीब हैं उम्मत के जिनका खुतबा सुनकर, जिनकी बात सुनकर फसाद पैदा होता है, यानी ये फसादी खतीब हैं। अल्लाह हमारे उलमा और हमारे खतीबों को इस फसाद से बचने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। हज़रत सल्लम ने एक और मुशाहदा फरमाया कि कुछ लोग हैं जो बहुत उम्दा खाना जो मुहैया है उसको छोड़कर एक गली सड़ी लाश का गोश्त खा रहे हैं। हजूर ने फरमाया, जिब्रील अमीन, ये कौन लोग हैं। तो जिब्रील ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, ये वो हैं जो गीबत करते हैं। अल्लाह हम सबको इस गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमा, आमीन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे एक मुशाहदा किया कि एक शख्स है जो आग के अंगारे खा रहा है और इस अजियत से बार बार गुजर रहा है। जिब्रील अमीन ने आपको बताया इस इस्तफसार पर कि या रसूलल्लाह, ये वो शख्स है जो हराम की कमाई खाता है और यतीमों का माल खाता है।
नबी अकरम सल्लम ने आगे जाके मुशाहदा फरमाया कि एक शख्स है जिसका पेट गुंबद की तरह है और पेट के अंदर सांप हैं और वो सांप उस इंसान को पेट के अंदर से काट रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिब्रील अमीन ये कौन लोग हैं? तो जिब्रील ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह ये सूद खोर हैं। ऐ अल्लाह हम वो आपको हम तमाम मुसलमानों को इस सूदी कारोबार या काम से निजात की तौफीक अता फरमा। आप सल्लम ने आगे जाकर एक नज़ारा फरमाया कि एक शख्स है जिसका धड़ तो इंसान जैसा है मगर उसका सर खनजीर जैसा है, सूर जैसा है। आपने फरमाया जिब्रील ये कौन लोग हैं? तो जिब्रील अमीन ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह ये वो लोग हैं जो झूठी गवाही देते हैं। ऐ अल्लाह हमें इस बुराई से भी महफूज फरमा, आमीन। नबी पाक को मुशाहदा फरमाया गया कि एक गज़बनाक और खौफनाक फरिश्ता देखा आपने। जिब्रील अमीन ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह ये दोज़ख का फरिश्ता है मालिक। इसके बाद आपने एक मुस्कुराता हंसता चेहरा देखा और पूछा जिब्रील अमीन ये कौन है? तो जिब्रील अमीन ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह ये जन्नत का फरिश्ता है रिजवान। नबी पाक सल्लम जब जन्नत की सैर से लुत्फ़ानंदोज़ हो रहे थे और मुशाहदा फरमा रहे थे तो आपने मुसलसल हजरत बिलाल के कदमों की चाप सुनी। आप जब वापस तशरीफ लाए ज़मीन पर तो बिलाल से पूछा कि बिलाल आपको ये कमाल कैसे मिला कि मैंने जन्नत में भी आपके कदमों की आहट सुनी? हज़रत बिलाल ने फरमाया कुछ नहीं हजूर, बस मेरी तो ये मामूल है कि जब वज़ू टूटता है तो वज़ू कर लेता हूँ और दो रकात नफिल अदा कर लेता हूँ। ऐ अल्लाह हमें हज़रत बिलाल की इस सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। हज़रत बिलाल बेशक ये अदा पसंद आई होगी रब करीम को कि वज़ू टूटता है तो वज़ू कर लेते हैं और दो रकात नमाज नफिल पढ़ लेते हैं, लेकिन हज़रत बिलाल की और शान भी तो है कि जब उसको अंगारों पर लेटाया जाता था कि वो अल्लाह का नाम ना ले तो उस अज़ियत पर गुज़रते हुए भी उसकी ज़ुबान से अहद अहद निकलता था, और जब मुशरिक उसको घसीट घसीट कर फर्श पर ले जाते थे, अज़ियत देते थे, तो उसके मुंह से एक ही ज़ुबान से एक ही लफ्ज़ निकलता था अहद अहद। तो उसकी ये शान है। अल्लाह हमें नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबी वसल्लम के तमाम प्यारों की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह।